मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे अफेयर नहीं चलाऊंगी। पास्ट को खंगालने का क्या फायदा, तुम फ्यूचर को देखो ना। तुम्हें इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है, तुम ही बता दो। मुझे इस तस्वीर में फ्यूचर नजर आ रहा है। दिल पे दस्तक यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 7 बजे। आओ बैठो बेटा। मैं बैठने के लिए नहीं आई। क्यों, खैरियत तो है ना सेबू? खैरियत आके बेटे आरेज ने रहने कहां देंगे? क्या किया है आरेज ने? मैंने क्या किया? इतने मासूम ना बनो, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारी हरकतों से अनजान हैं। कितनी महारत से तुम लोगों को धोखा देते हो। सेबू बेटा मुझे बताओ क्या किया इसने? खाला आरेज ने कभी मेरी और शाहनवाज की शादी दिल से कबूल ही नहीं की, और ये मेरे और शाहनवाज के दरमियान गलतफहमियां डालने की कोशिश करता रहता है। मैंने इसे कितना समझाया मगर ये मेरी बात नहीं समझा। इसी मकसद से ये शाहनवाज की पहली बीवी उज़्मा रूज से मिलता रहा, उसे मेरे सारे राज बताता रहा। ऐसा नहीं है, मैं इत्तेफाक के अनुसार आर्टिस्ट से मिला। तो वो पेंटिंग उसी आर्टिस्ट की थी जिन्हें तुम घर लाते रहे और दीवारों पर लगाते रहे? किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग घर पे लगाने का ये मतलब नहीं कि मैं उसको छुप छुप कर मिलता। मैं उनको बतौर आर्टिस्ट जानता हूँ, उनका फैन। तो तुम्हें उज़्मा से ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? क्यों गपशप लगाई तुमने उसके साथ? शाहनवाज की पहली बीवी के साथ रابطہ क्यों किया तुमने? ये इंतहाई नामुनासिब बात है। अम्मी मैं उसको एक आर्टिस्ट के तौर पे जानता हूँ, शाहनवाज के माजी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इसने तो उज़्मा को ये भी बता दिया कि मैं और आरेज एक दूसरे को पसंद करते थे, और ये बात उज़्मा ने जाके शाहनवाज को बता दी। खराब, मेरा रिश्ता बेएतबारी के दिहाने पर खड़ा है। ये क्या किया तुमने? कोई ऐसी बात किसी को बताता है, और वो भी जेबू के शौहर की पहली बीवी को? ये क्या कर दिया तुमने? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरेज, ये तुमने क्या किया है भाई? छोड़ क्यों नहीं देते जेबू का पीछा तुम? हद हो गई, वो शादीशुदा है, इज्जत है उसकी, और तुमने जाके सारी बातें बता दी। ऐसे भी कोई करता है भला? तो फोन पर छुप छुप कर बातें उस आर्टिस्ट से होती थी, तो ये सब कुछ चल रहा था। अरे तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आई? तो क्या हुआ जब उसको असलियत पता चली? क्या तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, वादे नहीं किए थे मुझसे? बताओ मुझे से। तुम इतने गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भूल जाओ पुरानी बातों को, कोई फायदा नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया। तुम्हें शाहनवाज से ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज देखो मियाँ, ये इश्क मोहब्बत की जो दास्तानें हैं ना, ये सब शादी से पहले के चोचले होते हैं, यूं दोहराना नहीं चाहिए उनको शादी के बाद। अरे इनका तमाशा नहीं लगाना चाहिए। क्या सोचता होगा शाहनवाज बेचारा? क्या सुकृत थी ये सब करने की आरेस? तुमने मुझे इतना शर्मिंदा किया कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। आप लोग तो मुझे ही इल्जाम देंगे, मैंने कौन सा झूठ बोला है? जो सच था वही कहा। शाहनवाज की असलियत सामने आएगी। जेबू तुम अब उसका जर्फ देखो। जेबू, जेबू मेरी बात सुनो, जेबू। चल चल मेरी बच्ची। बाबा। मम्मा फिर से क्यों चली गई? बेटे उन्हें घर पर कुछ काम था। और वो कब वापस आएंगी? जल्द आ जाएंगे।
मैंने उनको देखा था, वो रो रही थी। क्यों? पता नहीं, आप दोनों की लड़ाई हुई है? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा थका हुआ था। मुझे उस वक्त मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे उनसे नहीं मिलना। मिलने में क्या हर्ज है, आप उनसे मिल लिया करो, वरना उनको लगेगा कि मैंने मना किया होगा। व्हाटएवर। आप परेशान ना हो, पहले भी मसले। सेबू कहाँ चली गई थी तुम? खाला के घर गई थी। मगर क्यों? आरेस की खबर लेने गई थी, खूब सुना के आई। वो क्या समझ रहा था, वो कुछ भी करता रहेगा, मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी, उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। ये आरेस भी, उसने एतराफ किया है ढिटाई से। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस खानदान से दूर रहो, कुछ भी कर लो, लेकिन आरेस है तो तुम्हारी खाला का बेटा, नरम गोशा उसी के लिए रहेगा, हमेशा उसी का साथ देगी। तो इसलिए आरेस अपनी मनमानी कर रहा है। खाला ने उसे बहुत डांटा है और वो घर से चला गया। बहुत अच्छा है कि उसकी बीवी को भी उसकी करतूतों के बारे में पता चले, वो भी उसकी खबर लेगी। अच्छा देबू, मेरे बात सुनो, किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है? अपने कमरे में जाओ, जाके आराम करो, पुरसकून रहो, वक्त के साथ साथ हालात भी ठीक हो जाएंगे। मैं शाहनवाज से खुद मिलूंगा, उससे बात करूंगा, बहुत समझदार आदमी है, हर फैसला बहुत सोच समझ के करता है, ठीक है ना? चलो जाओ, शाबाश। कहां तक संभालूं इस मसले को मैं? आप शाहनवाज से बात करें, लेकिन प्लीज लड़ाई मत करें। लड़ाई तो करने की पोजीशन नहीं, नहीं तो हार माननी पड़ रही मुझे सिर्फ जेबू की वजह से। देख लिया आपने, आप हमेशा मुझे समझाती रही और आरेस को आपने कभी कुछ भी नहीं कहा। इस जेबू के इश्क के जुनून में सब कुछ फरामोश कर दिया, वो उस आर्टिस्ट से छुप छुप कर मिलता रहा, सब कुछ बताता रहा, और बहाना बहाना उसने आर्ट का कर दिया। लो भाई, कभी उसकी पेंटिंग खरीद रहे और कभी उससे फोन पे बातें कर रहे और कभी उससे मिल रहे, आए क्या तुक बनती है उसकी, क्या तुक बनती है? मुझे ये बताओ कि जाके वो उसकी पहली बीवी से मुलाकातें करे, हैं? मुझे आरेस से ये तवक्को नहीं थी, इस कदर शर्मिंदा किया उसने मुझे आज, हद नहीं। पता नहीं कब से वो सब कुछ कर रहा है और हमें पता ही नहीं चला। अगर शाहनवाज और जेबू अलग हो भी गए तो जेबू कभी आरेस से शादी नहीं करेगी। पता नहीं ये क्या समझता फिर रहा है खुद को, ना एक शादी करके उसके अरमान पूरे ना हुए थे जो अब भी जेबू के पीछे पड़ा हुआ है। खुद भी खुआर हो रहा है और हमें भी शर्मिंदा कर रहा है। भाई मैं तो कहती हूँ सारा कसूर ही आरेस का है, बीवी बच्चे की तो कोई परवाह नहीं है उसको, और अभी भी जेबू के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो शाहनवाज की फिक्र हो रही है, पता नहीं गुस्से में आकर क्या उल्टा सीधा फैसला कर बैठे। फवाद ने भी इसी तरह गुस्से में आकर जेबू को तलाक दे दी थी, बाद में वो भी पछताता ही रहा। नहीं नहीं, शाहनवाज जेबू को तलाक नहीं दे सकता। भाई क्या मालूम उसने क्या कुछ सोचा हुआ है। भाई मैं तो कहती हूँ आरेस ने तो बहुत ही बुरा कर दिया। बुरा तो आरेस ने किया है, मेरे साथ भी और जेबू के साथ भी। नफरत, नफरत, नफरत। आए मेरी बच्ची। मम्मा आप क्यों चली गई, अब आप कब आएंगी?
बस बेटा मुझे कुछ काम था इसीलिए आ गई। जी उसमें मम्मी आई थी मुझसे मिलने, मिलकर चली गई। अच्छा जी, मगर वो मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरी जी तो आप है ना। हाँ मगर वो भी तुम्हारी मम्मी। अगर वो मेरी मम्मी होती तो इतने सालों बाद मुझसे मिलने ना आती। मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो तुमसे मिलकर वापस चली गई? नहीं, वो मुझसे मिली, बाबा से थोड़ी सी बात की और फिर चली गई। अच्छा जी। अच्छा तुम जाकर अपना होमवर्क करो। ठीक है, रात को आपने ब्रश भी करना है, सुबह उठ कर दी, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी और जो दादी कहें वो ही खाना। ओके मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके जी, लेकिन जल्दी आइएगा ठीक है। ओके बाय बाय। तेरी नफरत वाली, तेरी नफरत वाली, तेरी नफरत वाली, तू मोहब्बत न कर। बेटा मुझे सब कुछ पता चल गया। आरेस के खुसूर, तुम्हारी और जेबू के इख्तलाफात, मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने के लिए आई। कहिए। ये दुरुस्त है कि आरेस जेबू से शादी करना चाहता था, लेकिन फिर हालात ऐसे हो गए, आरेस अंबिका चला गया, फवाद की शादी जेबू के साथ हो गई। मैंने ही करवाई थी ये शादी, लेकिन बेटा मैं मजबूर हो गई थी। सेबू बेकसूर है, वो नहीं मान रही थी, मैंने जबरदस्ती शादी करवाई थी। फिर आरेस अमरीका से आया तो उसने बहुत हंगामा किया, मगर उस वक्त तक सेबू और फवाद की शादी हो चुकी थी। मैंने कभी जेब से उसकी फवाद से शादी के हवाले से कोई बात ही नहीं की। मैं जानती हूँ, अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि जेबू बेकसूर है, मैंने मजबूर किया था उसे शादी के लिए, फिर हारेस की शादी सबा से हो गई। उसकी बदतमीजी और बदतहजीबी ने हारेस को बददिल कर दिया। फवाद के जाने के बाद जब तुम्हारा रिश्ता जेबू के लिए आया तो हमें बहुत इत्मीनान हो गया था कि जेबू का घर अब दोबारा आबाद हो जाएगा। बेटा जेबू का कोई कसूर नहीं है, मैंने ही मना किया था उसे कि वो अपने और आरेस के माजी के बारे में तुम्हें ना बताए। आपने मना किया था? हाँ बेटा, मैंने ही मना किया था। मेरे ही कहने पर जेबू ने फवाद से शादी कर ली थी, मैंने मसलहतन ऐसे कहा था। देखो बेटा, हमारे मुआशरे में ऐसी बातों को बहुत बुरा समझा जाता है, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है। और फिर जो बात खत्म हो गई उसका चर्चा करने का फायदा क्या था? मगर जेब मुझ पर भरोसा करके मुझे तो बता सकती थी। क्या फायदा होता? देखो जवान लड़के लड़कियां आपस में मोहब्बत करते हैं, इस उम्र की लग्जिशों को माफ कर देना चाहिए, ये नादानी की नासमझी की उम्र होती है। हर शख्स का एक माजी होता है, माफ कर देना चाहिए सबको। जेब और आरेस के बारे में सुनकर मुझे बहुत शौक लगा। देखो बेटा, मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि तुम गुस्से में कोई गलत कदम ना उठाना। देखो फवाद ने सेबू को गुस्से में ही तलाक दी थी, बाद में बहुत पछताया वो, लेकिन एक बार तलाक हो जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं होता। तुम समझदार हो, ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तेरी नफरत वाली, तेरी नफरत वाली, तेरी नफरत वाली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। आरेज ऐसा कैसे कर सकता है? भाई हम तो अभी तक शॉक में हैं। भाई क्या सूझी थी आरेज को? शाहनवाज की पहली बीवी से मुलाकातें करता रहा और पूरे खानदान की बातें उसको बता दी, और ये भी बता दिया कि वो जेबू से मोहब्बत करता था। बस फिर क्या था, आई दोनों में खूब झगड़ा हो गया। तो कहती हूँ आरेज ने तो मोहल्ले की फप्पे कुटनी को भी पीछे छोड़ दिया। कहाँ है आरेज? भाई वो तो अभी तक घर नहीं आया।
बैठा होगा कहीं छुप के। सफीना कहाँ है? वो शाहनवाज के घर पे है, उसे समझा कर आएंगी। अरे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बात गलत किया उसने। अगर इसकी जगह मेरा पोता होता ना तो जूती उठा के 100 जूते मारती और एक ना गिनती। भाई यहाँ तो अरे साहब हैं, पूरे घर भर के लाडले। आने दे उसे घर, आने दे उसे, खूब खबर लूंगा मैं उसको। समझता क्या खुद को? आए जेबू बिचारी रोती धोती निकली और ऊपर से उसका शोहर भी उससे बदजन हो गया। क्या कर दिया आरेस ने, ये क्या किया उसने? आरेस ने कभी मेरी परवाह ही नहीं की, कभी फिक्र ही नहीं है। कसूर आरेस का है, शर्मिंदा मैं हो रही। अब हम आरेस को उसकी मनमानी नहीं करने देंगे, बहुत हो चुका। मेरी गीदड़ भपकियां, बस बेटा तू परेशान ना, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। हमने भूले सभी। अनाया की स्टेटमेंट के मुताबिक उसकी असल माँ मिस जेबी है और अनाया ने यह भी कहा है कि वो अपने बाबा और मामा मिस जेब के साथ ही रहेगी। क्यों आई हैं? मुझे आपसे नहीं मिलना। आप जब भी आती हैं, छोटी मम्मा घर चली जाती हैं। फिर भी चुप रहने की। अगर आप मेरी मम्मा हैं, तो इतने सालों बाद क्यों आई हैं? नफरत भली तेरी, नफरत भली तेरी, नफरत भली तू मोहब्बत ना कर। अरे इधर आओ। तो जनाब घर तशरीफ ले आए। जी आप सब मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जो कारनामा तुमने अंजाम दिया उसकी वजह से हमारी नींदें उड़ चुकी हैं। मैंने जो भी कहा सच कहा, झूठ तो नहीं बोला। आप सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए? क्या जरूरत थी सच बोलने की? तुम्हारी इस हरकत की वजह से जेबो रुस्वा हो रही है, उसका घर बर्बाद होने जा रहा है। तो ना करती ना ऐसे शख्स से शादी जो इतना तंग नजर और कमजोर है। और ये बात कभी ना कभी तो शाहनवाज को पता चलनी ही थी। जेबू के जुनून को भूल जाओ, ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बेटा। आज मैं गई थी शाहनवाज के पास, समझा कर आई उसे, मफामत कर लेगा जेबू के साथ, मगर तुम इस तरह खुद को रुस्वा कर रहे हो। अम्मी आप फौरन पहुंच गई शाहनवाज के पास, क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? जरूरत थी मुझे, मैं जेबू को बर्बाद नहीं होने दूंगी, समझे? अब आप कुछ मजीद कहना चाहते हैं कि मैं जाऊं? अरे मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। फवाद ने सेबू को गुस्से में ही तलाक दी थी, बाद में बहुत पछताया वो। एक बार तलाक हो जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो, रात दिन मैंने किया है इंतजार। हेलो, मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगे। फिर आपका ख्याल गलत साबित हुआ। शायद। कैसे फोन किया? तुम बताए बगैर चली गई थी। मुझे यही मुनासिब लगा। फिर किसी से मशवरा तो कर लेते। मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही थी, बहुत रात हो गई। मुझसे बात नहीं करना चाहती? बात करने के लिए क्या रह गया? तुम्हारी खाला आई। क्या? उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी, जो भी सच्चाई थी। खाला की बात पर यकीन करिए,
मगर मेरी बात पर नहीं। अगर खाला ने आपसे आकर बात ना की होती तो आप मुझे फोन भी ना करते। क्या यही आपकी मोहब्बत थी? शायद हमारे रिश्ते में एतबार की कमी थी। रात बात हो गई, मैं सोने जा रही हूँ। इतना सब कुछ करके खुद सुकून से सो रहे हैं। अब तुम शुरू हो जाओ, पहले ही अम्मी अबू से बातें सुनकर आ रहा हूं। हाँ तो क्या गलत कहा उन्होंने? चुप हो जाओ सबा, मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता, सुकून चाहिए मुझे। आरेस, तुम इतना सब कुछ कर कैसे सकते हो? दूसरों का सुकून बर्बाद करके तुम खुद सुकून तलाश कर रहे हो। तुम छुप छुप कर उज़्मा से मिलते रहे, मैं जेबू को गलत समझती रही। यहां सब जेबू के हमदर्द हैं। तुम आखिर क्यों जेबू का घर बर्बाद करना चाहते हो आरेस? इतना सब कुछ करके तुम्हें आखिर क्या मिल जाएगा? तुम्हारी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। नफरत, मैं सोना चाहता हूं। मैं जेबू का बाप हूं इसलिए ये बात नहीं कह रहा। हर इंसान का माजी होता है, माजी को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जेबू और आरिस के बीच में जो कुछ भी था वो उस दौर से बाहर आ चुके हैं, दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। जो कुछ भी उनके दरमियान था वो सब खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन जेब इस बारे में मुझे बता सकती थी? क्या बताती, पुरानी मोहब्बतों के किस्से नहीं सुनाए जाते बल्कि पर्दा डाल दिया जाता है। मैंने अपना पास जेब से कभी नहीं छुपाया। शादी में और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। शादी अगर टूट जाए तो उसके बारे में बात की जा सकती है, उसके बारे में बताया जा सकता है, लेकिन अगर मोहब्बत नाकाम हो जाए उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं होता। सिकंदर, मेरे और जेब के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं उससे बात करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता, नाराजगी खत्म ही नहीं होती।
वक्त गुजरने के साथ साथ तलखियां भी खत्म हो जाती हैं शाना, लेकिन हम तलखियों को खत्म करने के लिए आला जर्फी का मुजाहरा करना पड़ता है। रिश्ते में दांव पे मत लगा। आए? आए खाली चाय क्यों पी रही है बेटा, क्यों अपना कलेजा जला रही है? नाश्ता करो, क्यों हलकान कर रही हो खुद को? हैं दादी, आपने आरेस की डिटाई देखी है? वो क्या कुछ कर रहा है? मैं जब भी उसके साथ समझौता करने के बारे में सोचती वो कुछ ना कुछ कर डालता है। भाई आरेस की हरकतों से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, उसके माँ बाप भी बहुत तंग है। जेबू बहुत खुशकिस्मत है जो उसकी शादी आरेश से नहीं हुई। भाई अजीब बात है, उस आर्टिस्ट औरत से मिलता रहा और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। इसी बात का तो दुख है दादी, मैंने आरेश को समझने में गलती कर दी। मैंने सब कुछ करके देख लिया दादी, अपने घर रहकर भी देख लिया, इसको इतना समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आरेस तो जेबू के साथ भी मुखलिस नहीं है, अगर उसके साथ मुखलिस होता ना तो कभी उसका घर तोड़ने की कोशिश ना करता। आरेस तो है ही खुदगर्ज और कमजर्फ। पता नहीं अब शाहनवाज क्या करेगा, जेबू को छोड़ देगा या नहीं। अगर वो वाकई जेबू से मोहब्बत करता होगा ना तो जेबू को कभी भी नहीं छोड़ेगा, और अगर वो मफाद परस्त होगा तो जेबू की परवाह भी नहीं करेगा। मुश्किल वक्त में ही तो मोहब्बत की पहचान होती है बेटा। ना जाने जेबू का घर आबाद रहेगा या नहीं, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। ये लो बेटा, तुम अपना नाश्ता करो और अपना ख्याल रखो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। सिकंदर शाहनवाज से बात करेंगे, तुम परेशान ना हो, बल्कि अभी तक तो उन्होंने बात की भी होगी। मेरा दिल टूट चुका है, मैंने शाहनवाज को इतनी वजाहतें दी, इतनी सफाइयां दी, लेकिन उन्होंने जरा भी मेरी परवाह नहीं की, मेरी बात नहीं सुनी, मेरा इतबार नहीं किया, मुझे अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहने दिया। बदगुमानी ऐसी ही होती है, उस वक्त शाहनवाज शौक में होगा, बाद में उनको एहसास हो गया होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तो आरेस भी गुस्सा आ रहा है, कौन सी दुश्मनी निभा रहा है वो तुम्हारे साथ, उसे क्या जरूरत थी उज्मा के साथ रابطے बढ़ाने की। मैं आरेस के घर गई थी और उसे खूब सुनाई, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मुझे आरेस से ये तवक्को नहीं थी, उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं उससे नफरत करती हूँ। तुम्हें अपना घर बनाना है, अपने रिश्ते को बरकरार रखना है। अगर तुम पहले आरेस को पसंद करती थी तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो यही समझती थी ना कि तुम्हारी शादी आरेस से होगी, लेकिन तुम्हारी खाला ने तुम्हारी शादी फवाद से कर दी। शाहनवाज ने भी तो मेरी एक ना सुनी, मुझे भी इनसे यही शिकवा है। तुम देखना जेबू, एक दिन तुम्हारे सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। जी आप कौन? मैं उज्मा उरूज हूँ। ओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा एक जरूरी काम निपटा लूं। कैसा जरूरी काम? सफीना कौन आ रहा है? मैं आई हूँ उज्मा उरूज। यहाँ आने की कोई खास वजह? आरेस कहाँ है? उसे बुलाइए। क्यों, आरेस से क्या काम है तुम्हें?
ले, आरेस भी आ गया। आप यहाँ? खैरियत तो है? तुमने अपने घर तो खुद कभी बुलाया नहीं, मगर मैं खुद ही चली आई। क्यों आई हैं आप यहाँ? मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपका बेटा आरेस कितना बड़ा झूठा, फ्रॉड और धोखेबाज इंसान है। वो मुझसे आर्ट के बहाने मिलता रहा, मुझे हमदर्दी दिखाता रहा और मुझे जेब के बारे में हर झूठी बात बताता रहा। मुझे नहीं पता कि मैंने इसकी बातों पर क्यों भरोसा किया। अफसोस होता है मुझे। झूठ है ये सब, गलत कह रही हैं। चली जाएं आप यहां से, मेरे घर से निकल जाएं। क्यों क्यों नहीं बताते तुम अपने घर वालों को कि तुम आज भी जेब के इश्क में गिरफ्तार हो? जब वो तुम्हें छोड़कर चली गई, ये बात तुमसे एक्सेप्ट नहीं हुई। तुम शाहनवाज और जेब को अलग करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें आज भी लगता है कि जेब पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। बस कर दे, निकल जाए मेरे घर से। आरेस, अबू ये औरत झूठ बोल रही है। जेबू भी तो यही सब बातें करती थी आरेस, क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? मैंने यहाँ आकर ये सब कुछ आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस इंसान की वजह से किसी और का नुकसान हो। मैं आपको क्या समझता रहा और आप क्या निकली? आप तो जेबू की दुश्मन थी, फिर यहाँ आकर ये तमाशा क्यों कर रही है? मैं जेब की दुश्मन कभी नहीं। तुम मुझे जेब के बारे में गलत बातें बताते रहे हो। तुमने मुझे बताया कि कैसे जेब मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखती, साथ बहुत जुल्म करती है, क्योंकि जेब तो मेरी बेटी से अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करती है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अपसेट है। मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा करके बहुत गलत किया है। निकल जाए मेरे घर से, चली जाए यहां से। आमोश आरेस, आमोश। अपनी गलतियों को कबूल करने की बजाय दूसरों को इल्जाम मत दो। मैं यहां से जा रही हूं, मगर मैं चाहती थी कि इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। यह आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी था। चलती हूं। सब कुछ करके देख लिया दादी, मैं घर चली गई। लड़ाई झगड़े किए, हर हर बार इस्तेमाल किया, किनारे उस पर तो किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आज वो उसमें आकर सब बात बता गई है। मैं क्या करूं बेटा, मैं ऐसा क्या करूं बता मुझे। आरेस को तो फायदा ही नहीं होता दादी, उसे तो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरा एहसास ही नहीं है। बस बेटा ना रो, ना रो मेरी बच्ची। इच्छा वक्त भी आएगा, जरूर आएगा। कब सब ठीक होगा दादी? आरेस मुझसे कभी मोहब्बत भी करेगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है बेटे। मुझे अब आरेस से कोई तवक्को नहीं है। काश हम मिडिल क्लास लोग ही ना होते। काश अब मुझे ये ना कहती कि सबा आरेस से शादी कर लो। सबा अपने लिए लड़का ढूंढ, कोई अच्छा सा लड़का पसंद कर ले। सबा तेरी उम्र निकल गई तो तुझसे शादी कौन करेगा? आपकी यही सब बातें सुन सुन कर मैंने गलत इंतखाब कर लिया। मुझे यूं लगा कि मैं शादी करूंगी तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। बेटा मैंने तो तुम्हारी मित्री चाही थी। मैंने तो ये ख्वाहिश की थी कि तुम्हारा घर आबाद हो जाए, तुम खुश रहो, तुम अच्छे से रहो। मुझे क्या पता था कि आरेस ऐसा निकलेगा।
आदि, आपने मुझे ये क्यों नहीं समझाया कि सबा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जा? औरत अगर पढ़ लिख कर कामयाब होती है ना, तो रिश्ते खुद चल कर उसके पीछे आते हैं। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मोहब्बत के बहकावे में आकर गलत शख्स का इंतखाब ना करें? क्यों किया आपने ऐसा दादी?